वेलकम बैक ब्रेक से पहले मलिक साहब हमें बता रहे थे कि अगर खैबर पखतूनख्वा के अंदर आम ज़रायम का राज आ, का बढ़ गए हैं तो इसलिए बढ़े हैं इसलिए कि एक नॉर्मल कन्वेंशनल पुलिस फोर्स जो है वो दहशत गर्दी का मुकाबला करने की कोशिश कर रही है और एक फीएस दहशत गर्दी का मुकाबला करने की कोशिश कर रही है जब पेशावर में मार्केट्स के अंदर बॉम्बिंग होती है मार्केट्स की बॉम्बिंग रुकती है तो पेशावर के इर्द गिर्द के इलाकों में बॉम्बिंग होती है नो no गो एरियाज़ हैं जो लोग पेशावर और ख़ैबर पख्तूनख्वा के बाहर रहते हैं उनको वो पूरा सूबा ही नो no गो एरिया लगता है उसके अंदर एक कैश ट्रैप पुलिस जो है उसके पास टाइम नहीं है फॉर कन्वेंशनल कन्वेंशनल क्राइम प्रिवेंशन उसके बाद दहशतगर्दी के खिलाफ काम करने के लिए उनके पास कुछ ज़्यादा ट्रेनिंग नहीं है मोराल जो है वो ज़ाहिर है जब आपके लोग मरते हैं तो अफेक्ट ज़रूर होता है और फिर उस उसके अंदर करप्शन का भी एक आंसर आ जाता है कि जी अगर आप इक्कीस बाईस हज़ार रुपये कमाते हैं और कोई साहब जो है वो आपको हाथ में लाख रुपए दे देते दे हैं अगर आप चुप होकर इधर देख लें या आप ना देखें या रिपोर्ट ना करें तो फिर कितने लोग एवरी मैन हैज़ अ प्राइस हैजर आर प्राइस दैट कैन बी अचीव लेकिन मलिक साहब लेट से एक प्राइस नहीं है लेट से एक सिफत गयूर जैसे एक एक सुपीरियर ऑफिसर जो हैं उन्होंने पकड़ लिया किसी को उनको फ़ोन आया या उनको इतला हुई या उनको एक मुखबिर ने बताया कि जी फ़ला इलाके में तीन दहशतगर्द हैं उनमें से दो जो हैं वो सुसाइड बॉम्बर्स हैं पकड़ लिया पकड़ के अदालत के हवाले किया छः सात महीने तक कुछ नहीं हुआ आठवें महीने में जज साहब जो कि बेचारे आप कह लें कि वो एक इलाके में रहते हैं जहाँ के इर्द गिर्द लोग जानते हैं कि वो वहीं रहते हैं उनको कोई सिक्योरिटी है नहीं ना उनके शायद अंदर इतनी विल है कि वो कोई काम कर सकें वो फिर डर के धमकियाँ उनको शायद अगर मिल जाएँ तो वो समझते हैं कि जी इनको छोड़ देना सही है तो फिर खुदकुश हमलावर जो कि जैकेट पहने हुए पकड़े जाते हैं उनके बारे में कहा जाता है कि ये तो अभी मुजरम नहीं है क्योंकि ये फटे नहीं मलिक साहब जुडिशल प्रोटेक्शन फिर कितना होता है ये मैं शुरू करूँगा जी ये तीन स्टेजेस हैं एक स्टेज है इन्वेस्टिगेशन की उसमें मैं कुछ आपको बता चुका हूँ इन्वेस्टिगेशन हमारी बहुत ज़्यादा वीक है आपकी जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है वो अप्लाई नहीं होती फिंगरप्रिंट किट्स जो हैं वो बसीदा किस्म के और एडवांस नहीं हैं डीएनए के लिए आपको भेजना पड़ता है लाहौर लेबॉर्टरी में और वो कहते हैं कि ये वो एडवास्ट है कम और कराची भेजें तो वो ज़्यादा एडवांस है तो हम अभी इसी इन्हीं चक्रों में पड़े हुए हैं दूसरा पहले जो था प्रोसी, ये प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट ये सुब्रीटेड पुलिस के अंडर होता था था गलत क्योंकि डिवीज़न ऑफ पावर्स का जो फ़लसफ़ा है उसके खिलाफ था उनको अलहदा किया गया लेकिन चूँकि हुकूमत की विल नहीं थी और दूसरी हमारी लोगों की रजिस्ट चेंज ये दोनों फैक्टर मिल के वो प्रोसिक्यूशन का पट्टा बिल्कुल बैठ गया और जो थोड़ी बहुत उसमें प्रोफेशनलिज्म थी वो बिल्कुल ख़त्म हो गई उनके ऊपर जो सुपरवाइजरी एलिमेंट एसपी का होता था वो नि निगेट हो गया और आपकी प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट जो है प्रोफेशनली बिल्कुल ख़राब हो गई तीसरा स्टेज आता है आपका जुडिशरी का तो, तो बिल बिल्कुल हमारी जुडिशरी को बेानतहा थ्रेट्स हैं और ये थ्रेट्स आए भी हैं लेकिन हमारे कानून ऐसे हैं कि जजेस जो हैं हमारे उन कानून को साथ ले कर अगर चलें और नॉन फ्लैक्सीबली इनको अप्लाई करें तो फिर बड़ा मुश्किल है टेररिज्म के जो या एक्यूज लोग हैं उनको सज़ा मिले मैं ये नहीं कहता कि मावराए कानून कोई काम किया जाए लेकिन जिन ममालिक में आप ऐसी दहशत गर्दी की लहर आती है तो उसके लिए मुनासिब कवानीन बनाए जाते हैं मैं एक छोटी सी मिसाल दूँ आपको के बाहर ममालिक में पुलिस वाले के सामने ये कह देना कि जी मैंने ये जुर्म किया है ये कानून में एक्सेप्टेबल है हमारे यहाँ अगर आईजी भी जाए और किसी के बारे में कहे कि इसने मेरे सामने गवाही दी है तो कोर्ट को इख्तीर नहीं है कि वो एक्सेप्ट करे तो कानून ख़ुद डिस्क्रिमिनेट करता है पुलिस के खिलाफ एक तरफ हम हेड्स ऑफ स्टेट्स जज सुप्रीम कोर्ट के जजेज और तमाम लोगों की सिक्योरिटी की जिम्मेवार हैं दूसरी तरफ कानून हमें हम पे एतवार नहीं करता तो ये कुछ चीज़ें हैं इनमें थोड़ी फ्लैक्सिबिलिटी आनी चाहिए कानून में और जजेस की ट्रेनिंग होनी चाहिए कि कैसे ये डील करें अब एक जो पर्टिकुलर मसला पड़ा हुआ है हमारे लिए वो है मल्क् में उन लोगों का जिन्होंने आर्मी के ख़िलाफ़ और पुलिस के ख़िलाफ़ जंग की और फिर चूंकि हालात ऐसे थे तो वहाँ तो बिल्कुल ब्रेक डाउन था लॉ एंड ऑर्डर का कोई कोर्स नहीं चल रहे थे वो आदमी अभी लाइबिलिटी बने हुए हैं अगर नया कानून न बने तो फिर उन लोगों का क्या होगा वो भी आम अदालतों में जाके छुट जाएंगे अदालतों से तो ऐसी चीज़ें हैं जिनमें कुछ ऐसे कानून बनाए जाएँ मसलन ये इजिप्ट की मिसाल मैं आपको दूँ वहाँ पे ये लहर आई टूरिस्ट बसों बसों को मारा उन्होंने अटैक्स किए वी आई पीज़ पर काफ़ी हालत ख़राब हुई उनका रेवेन्यू गिर गया उन्होंने कवानीन बनाए और ट्राइबूनल्स बनाए उनमें और स्पेशल कवानीन इंट्रोड्यूस किए और आप देखें कितने लोगों को उन्होंने कैफर किरदार तक पहुँचाया और सिचुएशन को है वो बड़ा कंट्रोल किया सिचुएशन कंट्रोल uh, वो शायद इसलिए कर पाए मलिक साहब मिसर में क्योंकि चुप का राज था डिक्टेटरशिप थी uh, लेकिन सही अगर आप कह रहे हैं कि दहशत गर्दी को कंट्रोल करने के लिए फिर ये जमहूरियत और पोलिटिकल विल और फिर लैक ऑफ पोलिटिकल विल और फिर टेर्रजम मिलिटेंट्स के साथ देना और ड्रोन के खिलाफ अमरीका के खिलाफ खड़े हो जाना लेकिन फिर मिलिटेंट्स के साथ हो जाना ये सब कुछ के साथ फिर सियासत चल नहीं सकती लेकिन सर आप जुडिशरी की तरफ वापस आऊँगा ये इंसाफ की तरफ आप कह रहे हैं कि एविडेंस एक्ट जो है वो भी आपको फेल करता है और अगर वो आपको फेल ना भी करे तो फिर जाके आपको जस्टिस फेल कर देता है एविडेंस में भी एविडेंस एक्ट में भी जी, कुछ चेंजेस जो हैं वो जैसे ये मैंने जिसका जिक्र किया इस तरह और भी ऐसे शिक शे, शे, होंगे शिके होंगी जिन जिनको जिन पर गौर किया जा सकता है और उनको इस हद तक टेलर किया जा सकता है कि जो टेंजिबल एविडेंस हो वो कोर्ट एक्सेप्ट करे ताकि ये जैसे अमेरिका में आप देखिए जूरी सिस्टम हमारे यहाँ तो वो कामयाब नहीं हो पाएगा लेकिन जूरी सिस्टम में वो आम जुडिशरी अगर ऐसे केसों को करें तो शायद वो कन्विक्ट हो जूरीज में कन्विक्ट हो जाते हैं क्योंकि वो परसेप्शन होता है जूरी का कि हाँ ये मुलजम है तो ये 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 जजेस की परसेप्शन जो है उसको भी चेंज करना है जो वो जजेस जो के हमारे आ, आम कन्वेंशनल केसेस के साथ डील करते रहे हैं वो शायद ये टेररिस्ट केसेस के साथ अच्छी तरह डील नहीं कर पा रहे है। और ख़ासकर कवानी में चेंजेस की इंतहा ज़रूरत है मलिक साहब चलें कह लेते हैं कवानी में चेंजेस आ गए जुडिशरी अगर वैसी रही लोअर कोर्ट जुडिशरी अला अदलिया के पास कहाँ टाइम होता है दहशतगर्दी जैसी चीज़ों के साथ काम करने के लिए वो उनको एयरपोर्ट पे मिले हुए लॉस्ट लगेज के अंदर चीज़ें ज़्यादा अहम लगती हैं सर वो आप अगर लोअर कोर्ट है तो लोअर कोर्ट के अंदर क्या ऐसा भी है कि मुनसिफ जो है वो मुलवस हैं हमारे जो जजेज़ हैं वो दहशत गर्दों के साथ मुलवस हैं या महज डरे हुए हैं या एंटी स्टेट जो है वो उनको ज़्यादा आसान लगता है रास्ता बजाय इसके कि वो कोई दहशत गर्द के खिलाफ कोई कदम उठाएँ अनफॉर्चुनेटली जी हमारे यहाँ विटनेस प्रोटेक्शन और जुडिशरी की प्रोटेक्शन वो इस लेवल की नहीं है जो हम आ, आ, चाहिए जो होनी और डेफिनेटली फेयर फैक्टर जो है वो जो है एक रोल प्ले करता है न सिर्फ जुडिशरी बल्कि बल्कि बाकी इदारों में भी टेररिस्ट के अपने तरीके होते हैं आ, जिस तरह ये माफियाज़ डराते थे जजेस को और हायर गवर्नमेंट सर्वेंट्स को साउथ साउथ अमेरिकन कंट्रीज में और इटली में तो ज़रूरी बात है वो हमारा हमारा भी यही सिलसिला है यहाँ पर भी यही होता हो रहा है और हो सकता है हो रहा हो मलिक साहब ब्रेक से पहले मुझे एक बात बताइए पुलिस को पता है दुश्मन कौन है पुलिस का दुश्मन जी नहीं है अगर आप पुलिस अगर खुद अपना काम अच्छा करें तो मेरा ख्याल है पब्लिक से बहुत अच्छी उनको सपोर्ट मिलती है अगर अगर पुलिस पुलिस तो सोसाइटी का एक एलिमेंट है सोसाइटी अगर चाहे अगर उनके रिप्रेजेंटेटिव चाहें कि अच्छी पुलिस हो तो उसको रिसोर्सेज ज़्यादा दें उसकी अकाउंटेबिलिटी बेहतर करें उसके कवानीन ऐसे बनाएं कि जिसमें पॉलिटिकल इंटरफेरेंस ना हो तो फिर जाहिर है ठीक ठाक होगी तो अवाम इसकी दोस्त भी है अवाम इसकी दुश्मन भी है लेजस्लेटर्स इसके दोस्त भी हैं लेजस्लेटर्स इसके दुश्मन भी हैं अच्छे कानून बनाएं अच्छी सुपरविजन और अकाउंटेबिलिटी रखें पॉलिटिकल इंटरफेरेंस न करें ऑपरेशनल इंडिपेंडेंस के लिए उनके लिए को मौका दें ऑपरेशनल इंडिपेंडेंस का और फिर अकाउंटेबल ठहराएँ तो मेरा ख्याल है कि फिर पुलिस फोर्स को अच्छा होने में देर नहीं लगेगी सही मलिका एक इसी पे इसी सवाल पे इसी नुकते पे मुझे ज़रा ज़्यादा तफसील चाहिए होगी लेकिन एक ब्रेक के बाद वीर साहब देख मना है हमारे साथ हैं मलिक नवीद खान साहब एक्स आई जी पी खैबर पख्तूनख्वा इंस्पेक्टर जनरल पुलिस सबक और उसके अलावा उससे पहले एफ़ सी के कमांडांट भी थे उसी सूबे में हमारे उस सूबे में जिसके अंदर एक आग सी है बर्फा आप देख रहे हैं सियासत मनाए है एस एम एच एट सी एन बी सी पाकिस्तान डॉट कॉम पर लिखे अपने हमें अपनी राय से आगा कीजिए बैक विद यू आफ्टर ब्रेक